नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आकाश सिंह। आज इस वीडियो पर हम छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण के चैप्टर 6 पर बात करने वाले हैं, जो कि आधारित है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन से। बहुत ही आसान शब्दों में अगर कह दिया जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य में जितने भी इंस्टीट्यूशनल या फिर ऐसे जो संस्थाएँ जो औपचारिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, उन संस्थाओं के द्वारा जो फ्लो ऑफ मनी बनाया जाता है, जो पैसे जमा किए जाते हैं और पैसों को अग्रिम के तौर पर बढ़ाया जाता है, उन सारे चीज़ों से संबंधित आंकड़ों पर जानकारी हम इस चैप्टर पर देखने वाले हैं। इस चैप्टर को देखने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि आर्थिक सर्वेक्षण के 5 चैप्टर पर आधारित वीडियो आप देख लिए हों, क्योंकि अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आप मेरे फ्लो और मेरे पैटर्न को समझ पाएंगे कि हमारा तरीका क्या है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण को कवर करने का। अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो आपको ये जानकारी में होगा कि हम सबसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक का सार देखते हैं, इम्पॉर्टेंट क्रक्स पॉइंट देखते हैं और उसके बाद CGPSC के पैटर्न पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिससे हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट तो याद कर ही लें और साथ ही साथ हमारा प्रश्न को सॉल्व करने का अभ्यास भी यहाँ पर बनता जाए। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले स्लाइड पर पहुँचते हैं और पहले स्लाइड पर अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि बैंकिंग सेक्टर का GSDP पर भागीदारी से संबंधित कुछ जानकारी आपसे अपेक्षित की जा रही है। यहाँ पर आप हेडिंग देख रहे होंगे कि राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में बैंकिंग सेक्टर का हिस्सा। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन पर मुझे ये बताएंगे कि बैंकिंग सेक्टर किसके अंतर्गत आता है या फिर किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राथमिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी तक आप लोगों ने ये बराबर से एक कंसिस्टेंसी बनाकर रखा है कि जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसको कमेंट सेक्शन पर आप बताते ज़रूर हैं, तो इस कंसिस्टेंसी को आप मेंटेन करते रहेंगे, ऐसी मेरी आशा है। तो आप इस वीडियो पर भी ये आप करके दिखाएंगे, जो भी पूछूंगा उसको कमेंट सेक्शन पर आप बताएंगे और आप अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे कि आप हमारे इस वीडियो पर टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करने पर अपनी बहुत ही सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम अब देखते हैं कि क्या आंकड़े दिए गए हैं GSDP में बैंकिंग से संबंधित। तो इसके लिए आपको इस इमेज का सहारा लेना होगा। तो ये इमेज पर आप देख रहे होंगे कि 2013-14 से लेकर 2019-20 के एडवांस एस्टीमेट तक की जानकारी दी गई है। अब अगर आपको ये एडवांस एस्टीमेट से संबंधित प्रश्न दिमाग में उत्पन्न हो तो आप इसके लिए चैप्टर 3 पर चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जब GSDP हम डिस्कस कर रहे थे तब हम इन सारे शब्दावली को बहुत ही आसानी से समझे थे, बहुत ही आसान भाषा में हमने उसका अर्थ और तात्पर्य समझा था। तो आप इस एडवांस एस्टीमेट, क्विक एस्टीमेट्स, प्रोविजनल एस्टीमेट्स, रिवाइज एस्टीमेट, इन सारे शब्दों का अर्थ समझ गए होंगे ऐसा मैं समझता हूं या ऐसा मैं मानता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर योगदान देखेंगे तो आपको 2019-20 पर ये मौद्रिक मूल्य दिख रहा होगा, इस पर बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी है। मुख्य रूप से जो आपको याद करना है बैंकिंग सेक्टर से संबंधित GSDP में आंकड़े, तो वो आपको याद करना है योगदान, अर्थात ये कितना प्रतिशत भाग बना हुआ है बैंकिंग सेक्टर का GSDP पर, और उसके बाद आपको ये याद करना है कि कितना प्रतिशत वृद्धि हमने देखा है वर्तमान के वर्ष में। तो इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं उसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं। और प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा कि बैंकिंग क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि वर्ष 2019-20 में क्या है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि जब आप वृद्धि की स्पेलिंग देख रहे होंगे स्लाइड में तो थोड़ा ये आपको उठपटांग या गलत लग रहा होगा, तो ये फॉन्ट का फॉल्ट है। जब हम फॉन्ट यूज़ करते हैं तो जो फॉन्ट में ये आधा दा नहीं लेता वो वाला चीज़ यहाँ पर लिखा जाता है, बट आप इसे इग्नोर करेंगे, क्वेश्चन को समझने पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे। ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक अगर कहीं दिखती है तो मैं ऐसा चाहूँगा कि आप उसे अनदेखा कर लें। तो चलिए अगर आपके सामने ये 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन पर आपको प्रतिशत वृद्धि देखनी है 2019-20 की में GSDP में बैंकिंग सेक्टर के, और वो आपको क्या दिख रहा है कि ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए की जानकारी आपको इस जगह पर दिख रही है कि बैंकिंग सेक्टर की वृद्धि कितनी है 2019-20 में, 5.33%, और इस प्रकार से सही उत्तर के तौर पर आप चुनेंगे ऑप्शन ए को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम अन्य जानकारी पर देखते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य में बैंकिंग गतिविधियां, और इस पर आधारित ये इमेज आपके सामने आ रहा होगा। इस इमेज पर अगर आप नज़र डालें तो आपको यहां पर
दो कॉलम पर मार्च 2018 और 2019 के आंकड़े दिए गए हैं, तो आपको याद करना है मुख्य रूप से मार्च 2019 तक की स्थिति को। आपसे प्रश्न भी एग्जैक्टली इस शब्द का इस्तेमाल करके पूछा जाएगा कि मार्च 2019 तक की स्थिति में कुछ कुछ बैंकिंग गतिविधियों से संबंधित आपको जानकारी देनी होगी। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। तो ये आपके सामने प्रश्न आ गया कि मार्च 2019 की स्थिति में बैंकों की संख्या क्या है राज्य में। तो आप सबसे पहले रो पर ही देख रहे होंगे कि बैंकों की संख्या मार्च 2019 में कितनी है, 47 है। तो आप 57, 37, 60 को काटिए और आपके सामने सही ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन ए, 47 बैंकों की संख्या है राज्य में। कब तक? मार्च 2019 की स्थिति तक, यहीं तक के आंकड़े दिए गए हैं आर्थिक सर्वेक्षण में। तो आपको आर्थिक सर्वेक्षण की तैयारी करनी है, तो आर्थिक सर्वेक्षण के फैक्ट को ही विशेष तौर पर आपको याद करना है, क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर ही ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और किस प्रकार का प्रश्न यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो राज्य में बैंकिंग गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। इस प्रकार का पैटर्न आप सारे वीडियोस पर देख रहे होंगे, क्योंकि ये पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इस प्रकार के पैटर्न के क्वेश्चन पर हम एक बार में ही कई सारे आंकड़ों को याद कर सकते हैं, इसलिए इस तरीके का पैटर्न मैं खासकर आप लोगों के सामने बार बार लेकर आता रहता हूं, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो, आप क्वेश्चन सॉल्व करते करते आप बहुत आसान तरीके से आंकड़ों को याद कर लें। क्योंकि हमको अपनी तैयारी भी इसी तरीके से करनी है कि कम समय लगाकर हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें, क्योंकि हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है सिलेबस पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न के कथन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला कथन हमारे सामने जो बनता है वो ये है कि मार्च 2019 की स्थिति में 2811 बैंक शाखाएं हैं। जो बैंकों के ब्रांचेस हैं राज्य में वो 2811 हैं। इसकी सत्यता की जांच करने के लिए हम बाद में आएंगे, बाकी कथन भी हम देख लेते हैं। दूसरे कथन पर हमें देखने को मिलता है कि मार्च 2019 की स्थिति में बैंक जमा राशि मार्च 2018 की तुलना में 8.72% है, अर्थात एक वर्ष पर इतनी वृद्धि हुई है। कितनी? 8.72% की वृद्धि हुई है। ये कथन दो आपसे कह रहा है। कथन तीन आपसे क्या कह रहा है? कथन तीन कहता है कि संदर्भ अवधि में कृषि क्षेत्र में क्रेडिट अग्रिम में 8.48% की वृद्धि हुई है, अर्थात कृषि क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि बैंकों के द्वारा कितनी यहाँ पर राशि डाली गई है कृषि क्षेत्र में, तो उसमें हम वृद्धि देखते हैं 8.48% एक साल में। तो अब आप लोगों से इसके साथ ही मैं ये बात आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि जब आप बैंकिंग सेक्टर के आंकड़े पढ़े तो आप प्रायोरिटी सेक्टर्स पर कितने पैसे दिए गए हैं, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, इसकी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी सेक्टर या प्राथमिक क्षेत्र कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर कृषि क्षेत्र से है, महिलाओं को अग्रिम से है, या फिर किसी वीकर सेक्शन को जब यहाँ पर पैसे उधार पर दिए जा रहे हैं, उन आंकड़ों को याद करना है, क्योंकि वो पैसे मात्र उनकी कमी को पूरा नहीं कर रहा है, वो पैसे उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। इसलिए हमें ये चीज़ याद करनी है कि हमारे देश की या हमारे राज्य की जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें जो पैसे हैं उन पैसों का इस्तेमाल सामाजिक स्तर पर लोगों के या जो वीकर सेक्शन है, जो कमजोर वर्ग है, उनके उत्थान के लिए कितना प्रयोग में लाया जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम तीन कथन देख चुके हैं और ऑप्शन हमारे सामने ही आ गए हैं। चलिए अब इसकी सत्यता की जांच हम करते हैं इसी में से। तो सबसे पहला जो कथन कहता है वो कहता है बैंक शाखाओं की संख्या कितनी है, 2811, जो कि बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन कहता है कि जमा राशि में हमने देखा है कि 8.72% का इजाफा हुआ है। तो आप इस फोर्थ पॉइंट पर नजर डालें तो आप देख पाएंगे कि ये वाला पॉइंट भी सत्य होता है कि 8.72% वृद्धि हुई है। फिर आप देखेंगे कि कृषि क्षेत्र में क्रेडिट अग्रिम में कितना प्रतिशत है, तो कृषि क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 8.48%। तो आप देख सकते हैं कि कुल जमा की राशि यहाँ पर कितनी है, तो आप देख रहे होंगे 1,50,957 करोड़ राशि यहाँ पर जमा हुई है। ये आप देख रहे होंगे राशि की संख्या है। और कितना यहाँ पर अग्रिम बढ़ाया गया है, तो उसको अगर आप देखें तो 99,686 करोड़ रुपए आपको यहाँ पर अग्रिम में जाता हुआ दिखेगा। इसमें से हम देखते हैं कि कृषि में कितना अग्रिम पहुँचा है, तो 15,243 करोड़ राशि आपको कृषि में जाता हुआ दिखेगा।
तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि तीसरा कथन भी हमारा सही कथन है और सही ऑप्शन के तौर पर हमें सही ऑप्शन मिलता है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों कथन ही सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने ज्ञान के भंडार में कुछ और इजाफा करते हैं और उसके बाद इस प्रश्न पर नज़र डालते हैं। अब इस प्रश्न में आपसे अपेक्षा की जा रही है कि आप अपने ध्यान को, अपने बौद्धिक चैतन्यता को, नज़र को इतना तेज रखें, इतना साफ रखें कि आप एकदम उस शब्द पर पहुंच जाएं कि आपसे पूछा क्या है कि सत्य कथन की असत्य कथन, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वीरता वीर गति का कारण बन जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर हम देखते हैं कथन एक कि मार्च 2019 की स्थिति में राज्य में बैंकों की संख्या 47 है। ये हमको याद हो चुका है तो इसे हम बार बार चेक करने नहीं जाएंगे। दूसरा कथन कहता है कि मार्च 2019 की स्थिति में शाखाओं की संख्या 2753 है। और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कूट रूपी ऑप्शन हमारे सामने आ गया है। तो इनमें से असत्य कथन कौन है? इनमें से असत्य कथन है दूसरा वाला, क्योंकि शाखाओं की संख्या 2753 नहीं है, इससे ज़्यादा है, 2811 है। तो अगर हमारा दूसरा कथन गलत हो जाता है तो दिए गए क्वेश्चन के अनुसार सही ऑप्शन के तौर पर आप चुनेंगे ऑप्शन बी कि केवल 2 हमारा असत्य कथन दिख रहा है। तो इस प्रश्न के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और अब इसी इमेज पर आधारित हम इस इमेज को कनेक्ट करके देखते हैं। ये इमेज क्या है? तो ये कुल अग्रिम तथा महिलाओं को अग्रिम जो बढ़ाया गया है उसका रेशियो आपको दिखाया जा रहा है। तो आप इस मार्च 2019 वाला जो आपको ये इमेज दिख रहा है इसे आपको याद करना है। जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं को अग्रिम और कृषि में जो अग्रिम बढ़ाए गए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं। 99,686 करोड़ रुपये जो अग्रिम में बढ़ाए गए, कुल अग्रिम में बढ़ाए गए, उसमें से महिलाओं को जो अग्रिम दिया गया है वो है 10,152 करोड़ राशि। और ठीक इसी प्रकार से अगर आप कृषि क्षेत्र का देखें तो कृषि क्षेत्र में आधारित हमने क्वेश्चन ऑलरेडी देख लिया है, फिर भी आप एक बार इस इमेज में डाल लें। ये जो ऑरेंज वाला आपको ये बिल्डिंग दिख रहा है ये कृषि में अग्रिम को दर्शा रहा है और ये जो आप ब्लू कलर की सिलेंडर नुमा आकार देख रहे हैं ये आप देख रहे होंगे कि ये कुल अग्रिम की संख्या यहाँ पर दी गई है मौद्रिक मूल्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं वित्तीय समावेश पर आधारित कुछ जानकारी। देखिए आपको मुझे बताना है कि वित्तीय समावेश का मतलब आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन, और ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की अवधारणा क्यों लाई गई, और आपको ये बताना है कि इसके प्रयोग से हम किस प्रकार से सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित कर रहे हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वित्तीय समावेश पर आधारित क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछा जा सकता है और अभी वर्तमान परिदृश्य में वित्तीय समावेश को लेकर बहुत सारी योजना संचालित की जा रही है और उसका जो लाभ है, जो सकारात्मक यहाँ पर इम्पैक्ट है वो भी हमको देखने को मिल रहा है। तो आप लोगों से मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से लिख कर मुझे दिखाएंगे कमेंट सेक्शन पर। आगे बढ़ते हैं और वित्तीय समावेश को सार्थक सिद्ध करने के लिए जो सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है उस पर बात करते हैं और वह है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्यों इसे मैंने सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना कहा है तो उसकी जानकारी पर हम इसे समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बहुत ही बेसिक जानकारी देखते हैं क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है कि प्रारंभ कब से किया गया। तो ये 28 अगस्त 2014 को किया गया और इसमें क्या क्या प्रावधान थे, तो इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1,00,000 रुपये की रुपये डेबिट कार्ड होने पर अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा। तो देखिए ये क्या किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री जनधन योजना में बड़ी सी बड़ी मात्रा में लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, उन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा था जो अभी हमारे बैंकिंग प्रणाली की मुख्य धारा से जुड़े नहीं थे। और अगर बैंकिंग प्रणाली की मुख्य धारा से वो नहीं जुड़े हुए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी भी वो संस्थागत फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है देश का उससे वो अछूते हैं।
और जब तक वो अछूते रहेंगे तब तक हम किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल प्लानिंग उनके लिए नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी थी, खासकर ये मुख्य रूप से वो लोग थे जो अनौपचारिक क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो अब आप लोगों के सामने अगला जो शब्द आ गया है वो है अनौपचारिक क्षेत्र या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर का अर्थ क्या समझते हैं, या इससे किस प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, या किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, उदाहरण सहित बताएंगे, बहुत ही मजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आप देख रहे होंगे कि 30,000 का जीवन बीमा कवर उन लोगों को प्राप्त होगा जो 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच पहली बार, अब यहाँ पर आप बात देख रहे होंगे इम्पोर्टेंस, पहली बार बैंक खाता खोल चुके हैं, वह योजना की अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे। तो ये उन लोगों को अब अट्रैक्ट किया जा रहा है जिनके पास अभी तक बैंक खाता था ही नहीं। तो आप पहली बार जब बैंक खाता खोलेंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। तो इसके साथ ही कितने लोग जुड़े, अब जाहिर सी बात है कि अगर ये योजना लाई गई और लोगों को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ने का यहाँ पर उद्देश्य बनाया गया, तो जाहिर सी बात है कि अब इतने लंबी अवधि गुजर चुकी है 2014 के बाद, आज हम 2020 पर इससे बात कर रहे हैं, तो अब कुछ ना कुछ इसका इम्पैक्ट रिजल्ट भी हमारे सामने आ चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी सब चीज़ों से संबंधित जानकारी पर। आपके सामने ये इमेज आ गया होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते, सक्रिय खाते कितने हैं और सक्रिय खातों का प्रतिशत कितना है, आधार लिंक खाते कितने हैं और आधार लिंक खातों का प्रतिशत क्या है, उससे संबंधित आंकड़े आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। और ये आंकड़े जो सबसे लेटेस्ट आर्थिक सर्वेक्षण पर दिए गए हैं वह है 29 मई 2019 तक के। तो चलिए देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते में कितने खाते खुल चुके हैं। तो राज्य में 1,40,93,072 खाते खुल गए हैं। सक्रिय खातों की संख्या है 1,16,87,790। अब यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक बात और डाल दूं कि जब खातों की आप संख्या देख रहे हैं तो 1,40,00,000 है, लेकिन सक्रिय खाता 1,16,00,000 है। तो सक्रिय खाते ये दर्ज कर रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट या फिर कितना आउटपुट इस 1,40,00,000 का हम देख रहे हैं। 1,40,00,000 खाते खुल तो गए हैं, लेकिन क्या सभी के सभी काम कर रहे हैं? तो नहीं, उनमें से कुछ हिस्से ऐसे हैं जो अब इनएक्टिव हो चुके हैं, खाते खुले तो लेकिन उसका अब इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो जितने खाते सक्रिय हैं, मतलब 1,40,00,000 में से सक्रिय खाते वो संख्या दर्शाते हैं जो इसका फाइनल आउटपुट रिजल्ट हमारे सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि प्रतिशत के रूप में आप देख रहे होंगे कि 83% है, 83%, अर्थात सक्सेस रेट कितना है तो 83% है। तो ये आपको याद रखना है कि सरकार की योजना जब भी लाई जाती है तो वो कितना कारगर हुआ, उसका सक्सेस रेट क्या होगा, वो प्रतिशत के तौर पर कहीं आंकड़े आपको मिल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो 83% इसका सक्सेस रेट दर्शा रहा है। आधार लिंक खाते कितने हैं, तो आप यहाँ पर सक्सेस रेट और देख रहे होंगे कि 1,16,00,000 जो सक्रिय खाते हैं उनमें से आधार कितने लिंक हो चुके हैं, तो 1,09,00,000 के आसपास के खाते आधार से लिंक हो गए हैं। अब ये आधार से लिंक हो गए, इसका अर्थ ये है कि हमने इस जनधन खाता खुलवाने के बाद उसको हमने सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं को बिना लीकेजेस के, बिना रिसाव के हम पहुँचा सकें, इसलिए आधार से हमने उसको लिंक कर दिया। क्योंकि आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन या बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के द्वारा बनाया जाता है, तो इसका डुप्लीकेशन होना संभव नहीं है। तो हमने जनधन खाता खुलवाया, उसके बाद उसमें आधार से उसको लिंक करवा दिया। तो अब हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की योजना जब लाएंगे तो सीधा लाभार्थी तक पहुँचेगा। तो इन सारे चीज़ों को एक काम करते हैं, उदाहरण के तौर पर समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार कोई एक योजना लाती है और इस योजना पर ये सरकार निर्णय लेती है कि जो भी लाभार्थी होंगे, लाभार्थियों का, हितग्राहियों का चयन किया जाएगा किसी पात्रता के आधार पर, और ये निर्णय लेती है कि सरकार सबके खाते पर, सबके बैंक अकाउंट पर 700 रुपये सेंड करेगी, ट्रांजैक्शन करेगी। अब अगर कोई भी एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने 4-5 अकाउंट अपने खोल रखे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा खर्च सरकार को करना पड़ेगा और एक ही व्यक्ति के पास में लाभ की राशि ज़्यादा मिल जाएगी और बहुत बड़ा वर्ग जो रहेगा वो इससे अछूता रह जाएगा। एक तो ये हो सकता है रिसाव, दूसरा इसमें उदाहरण ये देख सकते हैं कि कोई एक व्यक्ति कई लोगों के नाम से डिफरेंट अकाउंट खोल ले और उनके नाम पर पैसे खुद खाने लगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले तो लाभार्थियों को हम क्या कर लें,
हम बैंकिंग सेक्टर से जोड़ लें, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर से अगर जुड़ गए तो उनके पास खाता है और सरकार उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डाल सकती है। किसी यहाँ पर स्ट्रक्चर का निर्माण नहीं करना पड़ेगा कि पहले केंद्र से राज्य सरकार, राज्य सरकार से जिला प्रशासन और जिला प्रशासन से फिर वो पैसा जाकर लोगों तक पहुँचेगा। इतनी लंबी चेन अगर स्ट्रक्चर की बनेगी तो जाहिर सी बात है कि संभावना बन जाती है कि लोग अपना अपना हिस्सा निकाल लें, जिसे आप लीकेजेस या रिसाव कहते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले हमने उसे जोड़ दिया, उनके पास खाते आ गए। अब उन खातों को हम चाहते हैं कि ये इफ़ेक्टिव तरीके से काम करें, तो हम ये चाहते हैं कि इसका डुप्लीकेशन ना हो। तो हम क्या करेंगे कि उस लाभार्थी का आधार कार्ड बनवाकर, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है, उसका डुप्लीकेशन नहीं हो सकता, और उन खातों को उस आधार के नंबर के साथ, आधार कार्ड के साथ लिंक कर देंगे। अब अगर मैं किसी भी एक व्यक्ति के खाते में डाला, मान लीजिए उस व्यक्ति का नाम है चंद्रूराम, चंद्रूराम के खाते में मैंने मान लीजिए पैसे डाले हैं, तो वो चंद्रूराम के पास ही पहुँचेंगे, क्योंकि वो खाता चंद्रूराम का भी है और इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं है, क्योंकि वो खाता आधार से लिंक है और आधार लिंक में जो बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन है वो चंद्रूराम का है। तो इस प्रकार से लीकेजेस नहीं होगा, डायरेक्ट पैसे जो होंगे खाते तक चले आएंगे। और इसे ही बहुत ही अच्छे शब्दों पर अगर मैं समझा दूं तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं या फिर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण कहते हैं। तो इसलिए कितने खाते खुले, उन खातों में से कितना सक्रिय खाता है अर्थात उसका जो सक्सेस रेट है वो, और उसके बाद उन सक्रिय खातों को हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ये बताएगा आधार लिंक खाते की संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर प्रश्न देखते हैं कि प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को आरंभ की गई थी और 29 मई 2019 की स्थिति में राज्य में कितने खाते हैं, इस पर आधारित प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है। यहाँ पर ऑप्शन है और सही ऑप्शन के तौर पर आप समझ पा रहे होंगे कि पहला ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है। 1,40,93,072 खाते जनधन से खुल चुके हैं। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है ऑप्शन, 1,40,00,000 से अधिक, इस तरीके के शब्दों के साथ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और इसी से संबंधित अन्य प्रश्न भी हम देख लेते हैं। अन्य प्रश्न हमारे सामने ये है कि वित्तीय समावेशन की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन, औपचारिक रूप से इसका आरंभ 28 अगस्त 2014 को हुआ, बिल्कुल सही। दूसरा कथन, इस योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक बीमा और पेंशन के लिए हर घर से कम एक सामान्य बैंकिंग खाते की साथ सुविधाओं के लिए वित्तीय साक्षरता परिकल्पना की गई थी, क्योंकि यहाँ पर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं कर पाएंगे, जब तक लोगों को समझा नहीं पाएंगे, बता नहीं पाएंगे कि आपको फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम है, उसके साथ जुड़ना है, और अगर आप जुड़ेंगे तो आप इस देश के विकास के मुख्य धारा के साथ जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कूटरूपी ऑप्शन है। अब ये दोनों ही ऑप्शन क्योंकि सही हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं रुपए कार्ड। तो रुपए कार्ड के बारे में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खातों की संख्या और कितने खातों के लिए रुपए कार्ड जारी कर दिए गए हैं, तो इस पर आधारित आपके सामने ये प्रश्न है। और प्रश्न में जो पहला पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है NPCI, तो कमेंट सेक्शन पर आप मुझे बताएंगे कि रुपए कार्ड से आप क्या समझते हैं और आप बताएंगे कि ये NPCI क्या है और ये NPCI का फंक्शन क्या है। और कमेंट सेक्शन पर जब आप इसे बता रहे होंगे तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कथन देखते हैं दूसरा, कि 8 मई 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ऑप्शन के तौर पर हम देखते हैं केवल 1 और 2 सही, केवल 2, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये दोनों ही सही हैं। 8 मई 2014 को ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों सही। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं अगला प्रश्न कि राज्य में रुपए कार्ड जारी खातों की इस संख्या क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑप्शन बी 98.44 लाख, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम नज़र डालते हैं मुद्रा योजना पर। मन में सवाल आता है कि मुद्रा योजना क्या है, तो इसके फुल फॉर्म पर हम नज़र डालते हैं। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग एजेंसी, एक एजेंसी है जो माइक्रो यूनिट्स को रीफाइनेंस करेगी। देखिए जो छोटे यूनिट्स होते हैं, माइक्रो यूनिट्स अर्थात छोटी इकाइयाँ, ऐसी इकाइयाँ, छोटे छोटे उद्योग, छोटे छोटे कारोबारी या कारोबार, उनसे संबंधित बात होने वाली है। तो जो छोटे कारोबारी होते हैं, जो छोटे छोटे धंधे करते हैं,
उनके सामने एक समस्या उत्पन्न होती है कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो नियम और शर्तें होते हैं उधार देने और लेने वाले, उनको ये फुलफिल नहीं कर पाते, ये फिर दूर रह जाते हैं फाइनेंशियल सिस्टम से, ये जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है उससे दूर रह जाते हैं और फिर उसके बाद ये इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ अग्रसित होते हैं, जैसे कि साहूकारों के पास में, तो वहाँ पर फिर इनके साथ कई बार धोखाधड़ी या फिर कई बार अन्याय की स्थिति भी उत्पन्न होती है। तो ऐसी व्यवस्था की गई कि जहाँ पर कम नियम कम शर्तों या फिर ना के बराबर नियम शर्तों के द्वारा इन छोटे इकाइयों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाए, और यही पूरी की पूरी जो व्यवस्था है उसे आप मुद्रा योजना कहते हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रारंभ कब से हुआ, तो 8 अप्रैल 2015 से, और ये है उससे संबंधित हमारे सामने आंकड़े। अब प्रश्न देखते हैं और इसी पर बात करते जाएंगे, प्रश्न देखते रहते हैं। सत्य कथन का चयन करना है हमें और हमारे सामने कथन एक आता है कि मुद्रा योजना की घोषणा 8 अप्रैल 2015 को की गई, इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था और ये आपको याद होना चाहिए। इस योजना के तहत छोटे उद्योगों एवं दुकानदारों को ऋण की सुविधा 2 चरणों में उपलब्ध कराई जाती है। अब आपके सामने आ जाता है ऑप्शन, देखिए 2 चरणों पर नहीं, 3 चरणों पर, एक है शिशु, दूसरा है किशोर और तीसरा है तरुण। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब है वो सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक सही। अब ये शिशु किशोर तरुण क्या है, तो इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं और इस पर भी बात कर लेते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शिशु ऋण योजना उसके सामने 50,000 लिखा हुआ है, किशोर ऋण योजना इसमें 50,000 से 5 लाख लिखा हुआ है, और तरुण ऋण योजना 5 लाख से अधिक। तो ऐसी इकाइयाँ जो 50,000 या 50,000 से कम का ऋण लेती हैं या फिर उतनी ही ज़रूरत होती है, उसको हम शिशु कैटेगरी के अंडर में डालते हैं। किशोर ऋण योजना की कैटेगरी के अंदर 50,000 से लेकर 5 लाख तक की ऋण की व्यवस्था की जाती है, और तरुण ऋण योजना के तहत थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, 5 लाख से 10 लाख। और क्योंकि ये जो आपको दोनों ही कॉलम दिए गए हैं, ये दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पर साइमल्टेनियसली मैच कर रहे हैं, तो सही ऑप्शन के तौर पर ए का 1, B का 2 और C का 3 बन जाता है और सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। तो आपसे पर्टिकुलर अलग अलग भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिशु ऋण योजना में कितनी राशि तक की व्यवस्था की जाएगी, किशोर में और तरुण में कितनी व्यवस्था की जाएगी। तो ये आप याद रखेंगे, शिशु मतलब कि बहुत ही छोटा, यहाँ पर बहुत ही छोटी इकाई की बात हो रही है, तो अमाउंट भी छोटा होगा। फिर किशोर तो फिर थोड़ा सा, शिशु तो थोड़ा बड़ा होगा वो इकाई, और जब तरुण की बात करेंगे तो वो फिर शिशु और किशोर दोनों से ही बड़ी इकाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं और अब इसी पर आधारित हम अन्य जानकारी देखते हैं और प्रश्नों की सहायता से हम वो जानकारी को समाप्त करेंगे। तो हमारे सामने ये है कि मुद्रा योजना के अंतर्गत 3025 करोड़ का लक्ष्य वर्ष 2018-19 में निर्धारित किया गया था। वर्ष 2018-19 में कुल प्राप्त किया गया 2958 करोड़। तो अब आप क्या समझ रहे होंगे कि कितना यहाँ पर लक्ष्य रखा गया और कितना वो प्राप्त किया गया, और ये जो समय अवधि पूछी गई है ये कब की पूछी गई है, 2018-19 की, क्योंकि उसी पर आधारित ये आंकड़े हमारे सामने रखे हुए हैं। तो अब हमारे सामने यहाँ पर आपसे पूछा गया है लक्ष्य और किस पर, मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो मुद्रा योजना के अंतर्गत आपको कुल यहाँ पर संख्या दिख रही होगी, और पर्टिकुलरली वैसे ही शिशु किशोर और तरुण की भी यहाँ पर संख्या दिख रही होगी, लक्ष्य और प्राप्तियाँ। तो इस क्वेश्चन पर आपसे टोटल पूछा गया है, ठीक उसी प्रकार से शिशु किशोर और तरुण पर आधारित भी फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। कूटरूपी ऑप्शन है यहाँ पर, और अगर आप देखें कि लक्ष्य कितना रखा गया था या फिर उसकी जो राशि थी वो यहाँ पर 3025 करोड़ दिख रही है, और प्राप्तियाँ आपको 2958 करोड़ दिख रही है, तो सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी हो जाता है, 1 और 2 दोनों सही। तो इसी प्रकार से आपको शिशु किशोर और तरुण की भी ये सारी जानकारी ध्यान में रखनी होगी। एकदम फैक्ट टू फैक्ट आपको याद नहीं करना है, लेकिन अंदाजन कम से कम आपको जानकारी में होनी चाहिए कि आप अंदाजन तौर पर आप सही ऑप्शन तक पहुँच जाए। आगे बढ़ते हैं और विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना, इन पर बात कर लेते हैं। देखिए 3 योजनाओं के नाम आपको दिख रहे होंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, और ये तीनों ही सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सामाजिक सुरक्षा योजना का अर्थ आप क्या समझते हैं।
तो चलिए पर्टिकुलरली इन सारी योजनाओं को अलग अलग सेपरेटली हम देखते हैं और इससे आधारित प्रश्न भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और सुरक्षा बीमा योजना, इन दोनों के बारे में दिया हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इसका लाभ 18 से 50 वर्ष की आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा उठाया जा सकता है। तो लाभार्थियों का यहाँ पर आप देख रहे होंगे पात्रता 18 से 50 वर्ष की आयु। फिर उसके बाद जो दूसरा कथन है, इसमें वार्षिक जो किस्त है वो कितनी राशि दी गई है, तो वह दी गई है 330 रुपये। तो दूसरा कथन भी हमारा सत्य होता है। तीसरा कथन अगर हम देखें तो मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को 1.5 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो कितनी राशि उपलब्ध होगी, 2 लाख। तो ये वाला जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन अगर आप देखें तो आपका सही ऑप्शन दिखेगा, केवल 1 और 2 सही, क्योंकि तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका अर्थ ये है कि आपको राशि की संख्या याद करनी है, पर्टिकुलरली आप 2 लाख 1.5 लाख में कंफ्यूज नहीं होंगे, इतना एग्जैक्ट इन सब चीज़ों को याद करना है। देखिए ऐसे आंकड़े जो काफ़ी ज़्यादा संख्या वाले दिखते हैं, ऐसे 3,000, 400, 500 ऐसे, उनको आप छोड़ देना है। लेकिन जहाँ पर 1.2, 2.3 ऐसे आंकड़े हैं वो तो आपको याद करना है, और ये याद करना बहुत ही ईजिली पॉसिबल है, तो आप उनको तो ज़रूर याद कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब दूसरा प्रश्न देखता है, और ये आधारित है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, अर्थात इस दूसरी योजना से। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या कथन है हमारे सामने, कि यह 1 वर्ष की नवीकरणीय योजना है, मतलब हर 1 साल में रिन्यू किया जाएगा बार बार इसे। तो पहला जो यहाँ पर कथन है वो सही हो जाता है। दूसरा कथन कहता है कि इसमें 12 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर एवं दुर्घटना से हुई मृत्यु सब विकलांगता पर 2.5 लाख रुपये की राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 लाख रुपए की राशि दुर्घटना से मृत्यु या सविकलांगता के लिए है, तो यहाँ पर ये वाला फैक्ट क्या हो गया, गलत। तो दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा अगर आप कथन देखें तो बीमित व्यक्ति को आंशिक एवं स्थायी विकलांगता या परमानेंटली डिसेबिलिटी या फिर टेम्प्ररी डिसेबिलिटी, इस पर कितनी राशि दी जाएगी, तो इस पर 1 लाख रुपये की राशि उपलब्ध इसे कराई जाएगी। तो पहला और तीसरा जो कथन है वो सही है। तो जब भी हमें ऑप्शन पर पहला और तीसरा कथन दिखेगा वो सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा है ऑप्शन सी, 1 और 3 दोनों सही। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुकन्या समृद्धि खाता पर हम नज़र डालते हैं, कि सुकन्या समृद्धि खाता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन का चयन करें। तो पहला है कि यह योजना शासन की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन का एक भाग है। तो कमेंट सेक्शन पर आप बताएंगे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना क्या है और ये कब लाया गया और इसका उद्देश्य क्या था। दूसरा कथन कहता है कि यह 22 फरवरी 2015 को लागू की गई है। तीसरा कथन कहता है कि वर्तमान में योजना में निवेश करने पर 9.1% की वार्षिक दर से लाभ प्राप्त होगा। और चौथा यहाँ पर कथन है कि वर्ष 2015-16 में ये 9.2% हो गया। तो या तो तीसरा कथन सही होगा या तो चौथा कथन सही होगा। तो चलिए देखते हैं, तो दिए गए जानकारी के हिसाब से हमारा जो तीसरा वाला कथन है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान लिखा हुआ है और ये वर्तमान पर 9.2% है, 9.1 नहीं है। जब ये योजना लाई गई थी तब ज़रूर 9.1% थी, लेकिन बाद में बढ़ाकर इसे 9.2% कर दिया गया था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम इस योजना पर जोड़ना चाहते थे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को पढ़ाना और बचाना चाहते थे। तो सही ऑप्शन के तौर पर हमें क्या दिखेगा, 1, 2 और 4 सही, जो कि है ऑप्शन डी पर, और ये हमारा सही ऑप्शन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सहकारिता या कोऑपरेटिव से संबंधित हम जानकारी देखते हैं। अगला काम आप लोगों के लिए बेशक कि कोऑपरेटिव या सहकारिता का अर्थ क्या समझते हैं आप, कि और ये सहकारिता से क्या लाभ होता है खासकर कृषि क्षेत्र पर, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन पर। देखिए मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर्स लिखें कमेंट सेक्शन पर, जानकारी बताएं, क्योंकि इससे आपकी ज्ञान की भंडार में पेटी में इजाफा ही होगा, ये आपको पता नहीं चलेगा। प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब जानकारी, ब्रॉड टर्म्स पर आपके पास होनी चाहिए। आप कहीं पर भी जब भी आंसर लिखें तो इन सारे चीज़ों का उल्लेख अगर आप कर देंगे
तो बेशक आपको मार्क्स बहुत ही बेहतर मिलेगा दूसरों की तुलना पर। चलिए यहाँ पर अगर आप देखें कि कितने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, तो आप देख रहे होंगे राज्य में इनकी संख्या है 1,333 और कितने कृषक इससे जुड़े हुए हैं, तो 20.98 लाख कृषक सदस्य इसकी इतनी समितियों में जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कर, ये सत्य लिखा हुआ है, इसको आप कर दीजिए सत्य, सत्य कथन का चयन करें। प्रदेश में 1,333 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां संचालित है। दूसरा यहां पर, तो दोनों ही कथन आपको सही दिख रहा होगा, बहुत इजी है, बट आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आना चाहिए, ये फैक्ट याद होना चाहिए। और ये आपको सही कहां होता हुआ दिख रहा है, ऑप्शन सी पर, 1 और 2 दोनों ही सही। आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको ये जानकारी याद रखनी है, क्योंकि अब हम यहां पर कृषि पर आधारित वित्तीय सेवाओं को देख रहे हैं। तो सबसे पहले अल्पकालीन कृषि ऋण पर बात कर लेते हैं कि ये किस प्रकार की योजना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऋण ब्याज मुक्त, अर्थात जो कृषकों को इस योजना के अंतर्गत ऋण मिलेगा उसमें ब्याज नहीं देना होगा, 0% ब्याज दर रहेगा। ऋण की अधिकतम सीमा कितनी होगी, तो 5 लाख रुपए होगी। और ऋण में नगद एवं वस्तु का अनुपात कितना रहेगा, तो 60:40, अर्थात आप ये समझ सकते हैं कि जितना यहाँ पर वस्तु रखा जाएगा वो पूरा का पूरा उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, 60:40 का रेशियो में वैल्यू हमको मिलने वाला है। गौपालन हेतु ऋण के बारे में क्या है, तो 2 लाख तक का ऋण दिया जाएगा और ब्याज कितना होगा, तो मात्र 1%, ये भी ना के बराबर ही है। अब रुपए यहाँ 2 लाख से अधिक एवं रुपए 3 लाख तक के ऋण पर 3% का ब्याज दर देना होगा। तो ये 2 लाख से 3 लाख जब आप ऋण लेंगे तो ब्याज दर जो होगा वो 2% और बढ़ जाएगा, 3% लिया जाएगा। मत्स्य पालन एवं उद्यानिकी कार्यों हेतु ऋण, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 लाख तक का ऋण 1% ब्याज दर पर और 1 लाख से अधिक एवं 3 लाख तक के ऋण पर 3% का ब्याज यहाँ पर देना होगा। जो अंतिम यहाँ पर जानकारी है वो कृषकों को KCC कार्ड या किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि दिनांक 30 सितंबर 2019 की स्थिति में 10.80 लाख रुपए KCC कार्ड प्रदान किए गए हैं। तो अगला जो सवाल आप लोगों के लिए है थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भले होगा, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि किस कृषकों को ये जो ऋण दिया जा रहा है इसमें अगर आप ब्याज दर देख रहे होंगे तो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है, लेकिन ऐसा क्या है कि किसान इस ऋण को नहीं चुका पाते, मूलधन को नहीं चुका पाते और उनके बार बार उधार लेना पड़ता है, और एक ऐसा टाइम आ जाता है कि वो उधार के बोझ से बहुत ज़्यादा दब जाते हैं और कई बार हमें इसका अंतिम परिणाम उनके आत्महत्या के समाचार में देखने को मिलता है। तो आप ये बताएंगे कमेंट सेक्शन पर, आउट ऑफ द बॉक्स ज़रूर है, लेकिन आप लोगों की सोच देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस कृषकों की आत्महत्या की घटनाओं को किस तरीके से देखते हैं या उसके बारे में कितना जानते हैं या फिर उसको दिल से कितना ज़्यादा समझते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पर बताएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य जानकारी, और यहाँ पर आपको रासायनिक उर्वरक का वितरण दिख रहा होगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट है तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। आगे बढ़ते हैं और प्रदेश में स्थापित शक्कर कारखाने यहाँ पर देखते हैं। तो ये इमेज आपको याद करना है और इसमें खासकर क्या याद करना है, जिस पर आधारित प्रश्न पूछा गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से नाम पर आधारित शक्कर कारखाने हैं और उनका ग्राम, उनका जिला, ये आपको याद करना है। तो उस पर आधारित ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना कहाँ पर है, तो आप देख रहे होंगे ग्राम रामेपुर, जिला कबीरधाम, कवर्धा भी जिसे कहा जाता है। माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, तो ये आपको दिखेगा कहाँ पर, ग्राम केरता और ये जिला क्या है, सूरजपुर। फिर आपको देखने को मिलेगा दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना और ये आपको दिखेगा कहाँ पर, ग्राम करकाभाट, जिला बालोद में। और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना आपको दिखेगा पंडरिया, जिला कबीरधाम। तो कबीरधाम पर आपको 2 देखने को मिल रहा है ग्राम, लेकिन अलग अलग हैं। तो सही ऑप्शन के तौर पर आप पहुंच गए होंगे, सही ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हम ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर पर जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े थे, जानकारी थी, उन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, उस पर आधारित हमने प्रश्न भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आर्थिक सर्वेक्षण
की जो सीरीज़ चल रही है काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। और अगर किसी प्रकार की और आपको यहाँ पर सहायता चाहिए, किसी प्रकार का और आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो आप बेशक क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में सुझाव दे सकते हैं। तो चलिए, अगले चैप्टर पर आधारित वीडियो आपको इसके बाद मिलेगा या फिर आगे के वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिजनों को सुरक्षित रखें, देश को रखें और अपने समाज को भी सुरक्षित रखें। धन्यवाद। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।